रहा है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो पागल तो नहीं हो गई है? कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर लेगी? कहाँ है आरोही? कमरे में। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आरोही, इतना सब कुछ होने के बाद तूने हमें बताया? हाँ? मैं क्या करती? मैं बहुत टेंशन में थी। एंड ही इज नॉट इवन रिस्पोंडिंग, यू नो। आई कौन है ये लड़का? मिली कहां तो उससे? मैं उसे एक पार्टी में मिली, उस टाइम पे आई वाज जस्ट लो एंड ही वाज सो हैंडसम यार, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। उसने मुझसे बोला था कि इट्स जस्ट अ कैजुअल रिलेशनशिप, तो इट्स लाइक अ ड्रग टू मी यार, आई कांट इवन से नो। उसने बोला मैं वो मुझसे नहीं मिलेगा, पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट करती रहेगी, बिकॉज़ आई मैडली वाज इन लव विद हिम। क्या बात कर रही है यार, बिना कमिटमेंट के इतना सब कुछ? वो कमिटमेंट नहीं करता, उसने मुझे ये सब पहले ही कह दिया। और वो यहाँ इस वक्त क्यों नहीं है यार? पलक, मैं क्या करूंगी? पलक, मैं क्या करूंगी? मेरा क्या होगा यार? कुछ नहीं होगा। लिसन, अभी हमें हमारे पास टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया, राइट? पहले हम ये टेस्ट करेंगे, ओके? ये टेस्ट करेंगे, हमें पता लगेगा, और बाद में हम देखेंगे उस कमीने लड़के के साथ हमें क्या करना है। वो कमीना नहीं है यार। Are you serious? इतना सब कुछ होने के बाद भी तू उसकी साइड ले रही है? ऐसे होता है क्या? उसने कभी झूठा वादा नहीं किया। But that's not done, हाँ आरुही? Listen, you go to the bathroom, take this test, okay? हम यहीं पे हैं, don't worry, come on. कैसा आदमी यार वो, अभी तक इसको देखने तक नहीं आया। जब से उसकी जॉब गई है ना, तब से आई फेल्ट शी वाज फीलिंग लिटिल लोनली। बस उसमें आ गया ये रोमियो। पर यही तो उसके पीछे पागल है, वो तो इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं है। ये तो प्रॉब्लम होती है ना हम लड़कियों की, दिल और दिमाग दोनों एक साथ यूज नहीं करते। दिल चालू तो दिमाग बंद, दिमाग चालू तो दिल बंद। प्लीज, मैं तो कभी दिल को दिमाग पे हावी ना होने दूं। हाँ, क्योंकि तुझे अभी तक प्यार नहीं हुआ ना। इससे अच्छा हो भी ना, मुझे तो चाहिए ही नहीं प्यार। वो आ गया, उसका मैसेज है, मुझसे मिलने आ रहा है। तुम दोनों एक काम करो, तुम अंदर जाओ। प्लीज, उसका मैसेज आएगा, वो मुझसे मिलने आ रहा है। मैं आती थोड़ी देर में, उससे बात करके आती हूँ। क्या कर रही है लड़की, बिल्कुल पागल हो गई है। ऋत्विक, थैंक गॉड तुम आ गए, थैंक यू सो मच। आरोही, बात करने के लिए बुलाया ना, बात करो, ये सब मत करो प्लीज। या आई एम सॉरी, मैं ऋत्विक, प्लीज मेरी बात सुनो ना। आरोही लिसन, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये जो हमारे बीच में था ये कुछ भी नहीं था। ऑलराइट, प्लीज ऐसा मत बोलो, यू नो मैं आज आई ऑलमोस्ट ओके, आई हैव अ गर्लफ्रेंड, मेरी एक गर्लफ्रेंड है एंड आई लव हर, ओके? और एक और बात बताऊं, वो मेरे टाइप की भी है, ओके? और मुझे लगता है कि मैं उसके साथ खुश रहूंगा। मैंने हमेशा बहुत क्लियर रखा था कि हम कहां स्टैंड करते हैं। मैं जा रही हूं, इसकी ऐसी कैसे? इन दोनों के बीच का मामला है, लेट इट बी। कैन यू स्टॉप क्राइंग नाउ? मेरी बात तो सुनो प्लीज। तुम्हें बताया, आज मैंने टेस्ट भी किया, आई नो कि ये नेगेटिव आया है। शुक्र करो कि ये नेगेटिव आई है। कम ऑन, इफ यू वर प्रेग्नेंट, तो इसे एक नई नई शुरुआत की तरह समझो। जस्ट हैव अ गुड लाइफ, ओके? डोंट ऋत्विक, ऋत्विक डोंट डू दिस प्लीज, ऋत्विक। आरोही, वो चला गया। Just left me. It's okay. It's okay, huh? Negative. मैं pregnant नहीं हूँ। ऋत्विक भी चला गया, I'm all alone यार, मैं पूरी अकेली हूँ। Guy just dumped you, Arohi. Please. यार इससे तो ये होता कि मैं pregnant हो गई। Shut up, Arohi. Shut up. Shut up. Me right. वो लड़का तुझे क्या बोल के गया कि वो किसी और से प्यार करता है? क्या करूँ यार? Really love him यार. Come. किस किस्म का आदमी है ये? मुझे तो तरस आता है उस लड़की पे जो इससे प्यार करेगी। तरस आता है उन लोगों के बारे में सोच के जिनका पाला इससे पड़ेगा। हेटफुल क्रीचर, सिर्फ नफरत के लायक।
नफरत बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है पलक। ऐसे इंसान के लिए ना सिर्फ नफरत ही हो सकती है। क्या हाल कर दिया इसने हमारे आरोही का। आरोही ऐसे इंसान से तो पीछा छुड़वाना ही बेस्ट है, कमीना कहीं का। ओए चल हो गया। कमीने आ गया उसका दिल तोड़ के। ये तो करने आया था। उसके दिमाग में एक बात नहीं बैठ रही थी कि उसे मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला। डूड प्यार के चक्कर में पड़ना चाहती थी वो। एंड यू नो हाउ आई एम विद लव, डिफेक्टेड पीस। ये प्यार व्यार मुझसे नहीं हो सकता। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या करता मैं, वेट करता कि अपने दिल में मेरे लिए और जगह बनाती। आज दिल तोड़े, थोड़ा सा रोएगी, कोसेगी, गालियाँ देगी, नफरत करेगी। एंड नफरत माई फ्रेंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। I think I did the right thing. Okay, fine. तू अपना bad boy image बना के रख। Like I care. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इसीलिए तो तू अकेला है मेरे भाई। हफ्ते भर से ज़्यादा सिर्फ एक रिश्ता टिका है तेरे साथ। मैं। Can we go? चल। अच्छा एक बात पूछूं। तू प्यार के इतना anti क्यों है? अभी किसी दिन सच में हो गया तो? क्या करेगा? प्यार तो तब होगा ना जब किसी लड़की पर भरोसा करो। आई डोंट ट्रस्ट विमेन। मेरे भाई आखिरी बार बता रहा हूँ, मुझे औरतों पर भरोसा नहीं है, कभी भी नहीं होगा। कभी और अब में बहुत फासला है मेरे भाई। अगर अभी के अभी तू गाड़ी में नहीं बैठा मैं तुझे गोली मार दूंगा। उस दिन बिना मुलाकात मेरी ऋत्विक नून से मुलाकात हो गई। एक ऐसा तूफान, एक ऐसा अनकेयरिंग आदमी जिसको मैं कभी अपनी जिंदगी में मिलना नहीं चाहती थी। मैंने देखा था आरोही जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसके स्वाभिमान को ये तूफान ले डूबा। उस दिन एक ही दुआ थी मेरी, ऐसे आदमी से कभी मुलाकात ना हो। पर क्या पता था ऊपर इस बात पे कोई हंस रहा था। So exactly what's your job? मैं पेशेंट्स के लिए नई नई मेडिसिन टेस्ट करती हूँ। उनके यूरिन और स्टूल सैंपल्स को चेक करके उन्हें बताती हूँ कि उनके लिए बेस्ट मेडिसिन क्या है। स्टूल 40? एक्चुअली आज ही एक पेशेंट आया था, उसकी पॉटी का कलर बिल्कुल इस कॉफी जैसा था। मैं देखते ही समझ गई एंडोमेट्रियोसिस क्या है ना। टेस्ट कराने से एक दो घंटे पहले कॉफी नहीं पीनी चाहिए वरना यूरिन में से कॉफी की स्मेल आती है। तो शादी के बाद भी ये सब पॉटी सुसु एंड ऑल? क्यों शादी के बाद आप जॉब करना छोड़ देंगे? Yeah, nice joke. By the way, you can work. हमारी फैमिली आपको अलाउ कर देगी। अलाउ? Yeah, अलाउ। मैं अपनी पूरी लाइफ काम करने वाली हूँ। और मैं ये कहूँ कि मैं इतना कमाता हूँ कि आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर? वो क्या है ना, कुछ लोग पैसों के लिए काम करते हैं और कुछ लोग खुशी के लिए। और आप? मैं दूसरों की खुशी के लिए। तो शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? 4 साल बाद। मैं तो एक महीने। सॉरी बट मेरी लाइफ के मेरे बहुत सारे प्लान हैं। पहले पढ़ाई, जॉब, सोशल वर्क। मैं भी एक कंपनी का एमडी हूँ और मेरी कंपनी चैरिटी करती है, लोगों को सपोर्ट करती है। और मैं पर्सनली खुद तिरुपति बालाजी पर हर साल 15 लाख रुपए चढ़ाता हूँ। और अगर यही पैसे आप किसी गरीब आदमी के इलाज के लिए देते तो आपको और भी दुआएं मिलती। या यू वांट टू डू दैट? सी जिन लोगों के लिए मैं काम करती हूँ ना उनकी बहुत दुआएं मिलेगी। ये जो फॉर्म है ना आप फिल कर दीजिए। अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो फिर हम मिल क्यों रहे हैं? सॉरी मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ। वैसे आपने उन्हें बताया नहीं कि आपका शादी का मूड नहीं है? बताया तो था मगर वो मेरी सुनती कहाँ है। बहन जी शर्मा जी दा बुंडा तो है ही चंगा लेकिन जो ये कपूर्स है ना पूरे 300 करोड़ की पार्टी है 300 करोड़ की और मुंडा भी कितना सोना है देखो जी। बस कमीशन में डबल लूंगी जी। हाँ जी लेकिन हमने तो शर्मा इसको पहले ही हाँ बोल दिया है ना। तो बहन जी इन्हें क्यों चिंता कर रहे हो, कोई रोका शोका थोड़ी ना किया है। मुझे गोल्ड चेन बनवाई है वो शर्मा की जगह कपूर्स को दे देंगे। ओहो बहन जी आप ज्यादा ना सोचो मत, इतना बड़ा घर है अपनी डॉली तो राज करेगी राज। हाँ जी डॉली से पूछ ले। हाँ डॉली पुत्र बेटा देख जरा देख पुत्र देख। जी कुड़िया की रजामंदी तो होनी चाहिए है ना।
यही बात अगर मेरी बेटी के साथ होती ना, उसने तो ना ही करनी थी। आई लाइक हिम। तो जी बहुत अच्छा काम हो गया जी, और मेरी डबल कमीशन है जी, याद है ना जी? बिल्कुल याद है जी। फिर तो आपने अपनी कुड़ी की भी बड़ी अच्छी जगह कराई होगी शादी। जी ये तो मेरे लाइफ की ना बड़ी, बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी है, इसकी बात तो बाद में करेंगे, हूँ मैं चलती हूँ, बड़े सारे काम है जी। ओ सत श्री अकाल अरुण बेटा। हाँ क्या मना कर दिया, क्या कहा उसने? हद करती है तू भी। ओए उससे सुसु पोटी की बातें करने की जरूरत ही क्या थी, तू भी ना। ओए औरों की कुड़ियां होती हैं, अच्छी-अच्छी बातें करती हैं एक रोमांटिक स्माइल के साथ, और एक तू है कि आप हैं। ओ सॉरी, दांत दिखाने वाली लड़कियां तो आपको पसंद ही नहीं है ना पलक। अच्छे घर की लड़कियां दांत नहीं दिखाते। हां 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 आप भी उड़ा लो मजाक। जी मैं आपसे पूछती हूं, जब आप मुझे देखने आए थे, अगर मैं भी ऐसे सुसु पोटी की बातें करती तो आप क्या करते मुझसे शादी? आप जो गल्ला मुझसे करती है ना, मुझे तो आज भी लगता है कि मैं शादी करता क्या। कहती है चार साल तक इंतजार करो, कौन करता है चार साल तक इंतजार, हद ही करती है ये लड़की। और वैसे भी चार साल में तूने कौन सा पहाड़ खोदना है, दस मैनू। हेलो, अरे मेरी मन की बात थी, बता दी मैंने, क्या गलत है उसमें? तू मन की बात प्रधानमंत्री को करने दे, तू बस मेरी बात सुन। इतना अच्छा रईस लड़का ढूंढा था, उसे भी जाने दिया, मन नहीं आती क्या करूं। आप क्या ही कर रहे हैं, आप मुझे समझाते क्यों नहीं? मम्मा नहीं है मुझे रईस लड़कों में कोई इंटरेस्ट, उन्हें सिर्फ लड़कियों को कंट्रोल करना आता है। शादी के बाद आप काम नहीं कर सकते। अरे भाई क्यों नहीं कर सकते, क्या प्रॉब्लम है उसमें? और दो महीने से जिन लड़कों को मैं देख रही हूँ ना, रहने दो आप। क्या रहने दू, तूने जैसा किया ना, कौन सी लड़की ऐसा करती है बता मैनू? एक समझदार लड़की करती है। दोनों बाप बेटी एक ही सुर लगाते हैं, नहीं गलत तू, एक और तरफदार आ गई है। मैं आरवी के घर से आ रही हूँ यार, उसके मैसेजेस पड़े हैं, आई थिंक शी इज कंप्लीटली लॉस्ट इट। क्या बोली वो यार, जब से वो कांड हुआ ना मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही है। अरे यार वो उस लड़के पे टोटली डिपेंडेंट हो गई है, आज उसी लड़के के घर में पार्टी है, मैं आरोही के घर गई टू स्टॉप हर, एंड गेस व्हाट, वो वहां पर चली गई है। वो पागल तो नहीं हो गई है? नो लिसन, आई थिंक दिस टाइम ओनली यू कैन स्टॉप हर प्लीज। पर मैं क्या कर सकती हूँ यार? देख यार पलक, वो बचपन से तेरी बात सुनती है, मैंने अभी भी ट्राई करके देख लिया, प्लीज। पर यार मैं कैसे? एक सेकंड फ्रेश आई डी कार्ड, इस आई डी कार्ड के साथ तुझे कोई नहीं रोक सकता, तू वहाँ पर जा एंड आरोही से बात कर, इससे पहले कि वो लड़का उसे कुछ उल्टा कहे और आरोही कुछ स्टूपिड कर दे। Yeah, I'm going, but tell me who are these people? किसकी पार्टी है ये? नून बायोटेक के मालिक और उन्हीं का बेटा है ये ऋत्विक नून। ब्लडी लूजर। ऋत्विक के बिजनेस ज्वाइन करने की पार्टी है ये। They are really big businessmen, alright, and very powerful. ये कहीं भी कुछ भी करवा सकते हैं, और मैंने तो सुना है एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। ब्रो 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 प्लीज ब्रो मुझे जाने, प्लीज ब्रो प्लीज लेट मी गो प्लीज। क्यों इतना ये बैठा रहा तू ना, तो पैसे तू ही देगा। इतने छोटे से बच्चे के साथ ऐसा करोगे क्या आप लोग? प्लीज ब्रो लेट मी, सॉरी ब्रो सॉरी ब्रो प्लीज मुझे जाने दो ना। क्या हो रहा है शिवी? ब्रो 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 ए छोड़ ब्रो, नाउ यू गाइस मेड एंड वॉच मेरा ब्रो आ गया। बैठ के एक का पांच कितने पैसे आ रहे हैं? 50, और अब दे भी नहीं रहा, वैसे पैसा वसूल करना मुझे अच्छे से आता है। भाई देख रहे हो आपके सामने मुझे धमकी दे रहा है, भाई आप एक काम करो ना, इन सबको खींच के लगा ही दो, इसको भी तो पता चले मेरा भाई। 15 साल की उम्र में बेटिंग की तूने, वो भी पैसों वाली, यही खड़े रहना तुम तो, इधर चल। बैट लगाई तूने विद रियल मनी और हार गया। माई प्रॉब्लम इज नॉट, तू हारा कैसे? ब्रो इतना मत मारो यार, छोटा ही है। आ रहा हूँ यहीं कर। क्या कर रहा है मेरे साथ यार? I'm so sorry। आजा, आजा मेरा भाई आजा। क्या सिखाता तुझे? अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ते हैं, है ना? तू लड़ना।
ये तो मैं अपने भाई को समझा रहा था कि बैटिंग करना बुरी बात है, और तुम लोग 15 साल के बच्चे के साथ बैटिंग करोगे? अब तुम्हें समझाऊं मैं? इजी ब्रो। सुन छोटे, मेरी फैमिली से पंगे सिर्फ मैं ले सकता हूँ, समझा? और कोई नहीं। चल घिसा गया। इतना जोर से कोई मारता है क्या? मैंने ना पापा को बताना है। पा देखो ना भाई ने कितना मारा है यार, इतना कोई मारता है क्या? सबके सामने मेरी चॉप कर दी। यहाँ मारा? यहाँ भी मारा? यहाँ पे मारा था, मैंने अपने हाथ से बचा लिया, सेल्फ डिफेंस। बचा लिया? मारना चाहिए था ना। शर्म खून खंडाल का नाम खराब करेगा। और मार। ममता जी की हालचाल? तुसी तो आज बड़े जेनिफर लोपेज लग रहे हो। सारी पंजाबी औरतें जेनिफर लोपेज ही लगती हैं। आप कुछ छुपा रहे हैं? नहीं। पा। You are unbelievable. मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हो ना? हूँ मैं की किताब? ये आप ही हो ना? Don't lie to me, पापा. I know it very well. ये कमेंट आप ही ने किया है ना? मतलब मैंने आपको फेसबुक से डिलीट कर दिया, तो आपने रैंडम प्रोफाइल बना के, ये अजीब सा प्रोफाइल बना के मेरी फोटोज पे कमेंट कर रहे हैं। और झूठ बोल रही है, मैंने उसे मानना ही नहीं है। ये क्या है विजय, बेटी को तंग कर रहे हो आप? फॉलो नहीं मम्मा, सिर्फ मेरी फोटोज पे कमेंट भी कर रहे हैं। ओए, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं खाली नहीं किया है, द रेड ड्रेस वाज बेटर एंड द जींस वाज इवन मोर। देखा मम्मी, सुना आपने, पापा ने कमेंट किया है। जी देखो ना मम्मी, मैंने सिर्फ स्कर्ट पहनी थी और मॉरल पुलिस बन के आ गए मुझ पे ट्रोल करने, और ये तो फिर भी सोशल मीडिया है। आपने तो मेरी पूरी लाइफ मुझे फॉलो किया है पापा, कॉलेज में एक लड़का नहीं फटकता था मेरे आसपास। अब तो एंगेजमेंट हो गई है यार, अब तो चैन से जीने दो। ओए देख, तू फेडरल केस ना बनाई। देखो ममता जी, अपनी बेटी ढकी शकी ज्यादा अच्छी लगती है, इतना ही बोला, क्या बुरा किया मैंने? ये लविंग फादर में बेटी हो। माय लविंग फादर, मेरे फियांसे को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों है? मैं मेरी शादी होने वाली मम्मी इनको प्लीज बोलो, मैं तो मैं इनको हर जगह से ब्लॉक कर दूंगी। मैं सच्ची बोल रही हूँ पापा, हर जगह से ब्लॉक हो जाओगे आप। सब जगह से ब्लॉक कर दीजिए तो उसका पीछा कैसे करूंगा? ठीक करिए कुड़ी दा। कुड़ी ना छोड़ो, आपका क्या करें, इतने बड़े नून बैठक के मालिक है आप, इस घर के कर्ता धर्ता, और अपने फ्री टाइम में आप लड़की पे जासूसी कर रहे हैं। अब क्या करूं, बेटी का बाप हूं, थोड़ी तो नजर रखनी पड़ती है ना। ये सब छोड़ दीजिए ना, वो बड़ी हो गई है, ये सब चीजें आपको शोभा नहीं देती हैं। मैं जा रहा हूँ। वैसे भी सारे घर में ऋतु के अलावा कोई है नहीं जो मुझे समझ सके। आप जाइए, मेहमान आ रहे हैं, उनका ख्याल रखिए। अरे समर के पेरेंट्स आ गए, मैं भी उन्हें जाके रिसीव करती हूँ। अरे हेलो हेलो, कैसे हो? हेलो जी, इतनी लेट आए आप, क्या है इतना लेट? घर वाले ट्रैफिक मिल गया। विजयपथ कहाँ है? अरे अंदर ही है, आइए ना उधर है। विजय कांग्रेचुलेशंस, बेटा बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, ग्रेट, नाइस पार्टी। जश्न ये आपके लिए होगा सूरी साहब, मैं तो बस इतना ही चाहता था कि आज का ये खुशी का दिन मैं अपने परिवार और अपने करीबी दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करूं। मेरे तो बहुत होप्स है ऋत्विक पे। मुझे ऋत्विक पे कोई होप वोप नहीं है, मैं जानता हूं कि मेरा बेटा नून बायोटेक को नई ऊंचाइयां दिखाएगा। मेहमान लोग तो बहुत आ गए। अरे ऋत्विक, अरे पापा बुला रहे। ऋत्विक सूरी साहब। आपके सारे सपने मैंने पूरे करने, और वो जो आपका ब्रेक थ्रू मेडिसिन वाला सपना है ना, मैंने ही पूरा करना। आप टेंशन मत लो अंकल, टेल हिम टू चिल। मैं बस यही सुनना चाहता था बेटा। क्या कर दिया उस लड़की ने? अरे किया कुछ नहीं है यार, उसे लगा कि मेरे पास भी तुम्हारे जितना पैसा हो, लेकिन उसे थोड़ी पता था कि मैं तुम्हारे घर में काम करने वाली तारीख का पोता हूँ।
अरे बात तो वही है ना यार, शी वांटेड समबडी विद मनी, शी वांटेड ऋत्विक नून, और मिला क्या? अमन द नौकर। तो बस, अरे तू फुद्दू है, एक स्टूपिड लड़की के चक्कर में अपने आप को नौकर बोलेगा तू? सही बोल रही है। तो तू तो रहने दे, तेरी वजह से ऐसा ही है। ओए कितनी बार कहा लड़कियों से दूर रहकर, हां अब झेलो। उसको ऋत्विक नून से मिल लेना, बुलाओ बुला। ओए चुप, ओए मेरी बात सुन, ओए ऋत्विक, ओए अरे सुन यार, मिस्टर रस्तों की आज की पार्टी में आपकी और साइन होने वाली है। क्या करना चाहेंगे आप? रूम है, मुझे बतलूम की पार्टी है ना, रे उनसे जाके बोल दे। सर बिना इनविटेशन के तो कमिश्नर सर भी अलाउड नहीं। रे भाई तू जानता नहीं है तो किससे पंगे ले रहा है, मेरी पहुंचना बहुत सर, आपकी पहुंच जिनसे है वो सब तो अंदर है, और आपको पहले ही कह चुका हूँ कमिश्नर मिनिस्टर सबकी इनविटेशन चेक में। अरे भाई जाने दे, मन्ने क्या कर रहा है, देख प्रेस वाले भी देख रहे हैं। सॉरी सर, देख तो को देख लूंगा। दो महीने पहले सोचा था कि कभी उसका चेहरा नहीं देखूं, और आज यहाँ उसी के घर के सामने आ पहुंच, उस दोस्त को बचाने जो पहले भी इस जगह अपना रास्ता भूल चुकी थी। तो मुझे अपना घर नहीं दिखाएगी क्या? I've heard so much about it. What do you want to see? It's a normal house. चल दिखाती हूँ। रीवा, ममता आंटी तुम्हें बुला रही है। मॉम, I'll go later ना, स्वीटू को घर दिखाना है। अर्जेंट है शायद कुछ, इन्हें घर मैं दिखा देता हूँ। Oh, thank you so much. Especially ऋत्विक का कमरा, मैंने सुना है कि इसका शू कलेक्शन बहुत अच्छा है। Of course. I'll see you guys later. Oh, thank you so much. ऋत्विक, आरोही, तू क्या कर रही है यहाँ पे? पलक, तू यहाँ मेरा पीछा क्यों कर रही है? नहीं नहीं, पलक, प्लीज, पलक मुझे ना ऋत्विक से बात करनी है, प्लीज। तू चल आ, तू नहीं समझ रही है यार। तू भूल गई उसे दो महीने पहले तुझे कैसे डिच किया था? मुझसे कहा कि उसे किसी लड़की से प्यार है, लेकिन मैंने पता लगा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब तो इसलिए उसने मुझसे कहा कि ताकि मैं उसकी लाइफ से चली जाऊँ। देख मैं उसे कन्विंस करूंगी कि आई हैव द गर्ल फॉर हिम, ओके? तुझे क्या हुआ है? हाँ तू कभी ऐसी नहीं थी, तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्या हो गया? दो महीने से उसने तुझे कोई मैसेज नहीं किया, तेरे एक मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया, और तू उसके रूम में आ गई। तेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो बची है ना आरोही, उसे बचा लो और चल मेरे साथ। पलक सुन ना यार, मैं उसके बिना कुछ नहीं हूँ, मैं क्या करूंगी यार? तू समझ रही है? वही करेगी जो तू दो महीने पहले कर रही थी, तू जिएगी आरोही। एक रिलेशनशिप खत्म हो जाने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। एंड दैट गाय, ही डजंट इवन डिजर्व यू। नाउ कम ऑन, यू कमिंग विद मी? पलक, आई कांट। आरोही प्लीज समझ, अपनी लाइफ मत खराब कर यार, प्लीज चल मेरे साथ। पहुंच गए, आइए। तो ये है ऋत्विक नून का कमरा। वाओ, हाउ सेक्सी। आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाइए, मैं उसे बुला के लाता हूँ। ओह या, मैं यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल रहूँगी। या, आई एम श्योर। फाइनली। आरोही, सेतु का आईडी कार्ड शायद अंदर ही गिर गया। एक काम कर, तू गाड़ी में जाके बैठ, मैं भी आ रही हूँ। ठीक। But listen, no बेवकूफी, okay? Already here. Good. You're near my bed. Mr. Ritwik Moon, मैं आपके रूम में आई थी। मेरा शू कलेक्शन देखने आए। I have something better to show you. यही तो चाहती हो ना तुम? Come in. Oh. Is she like joining us? I don't mind. Are you? You are unbelievable. अरे भर तुम हो कौन? Oh God, how much I hate this man. इस इंसान ने मेरी फ्रेंड की लाइफ खराब कर दी।
जिससे मैं कभी वापस मिलना नहीं चाहती थी, वापस मेरी लाइफ के सामने आ गया। वो भी यक, मेरी पहली किस। कितनी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी लड़की के लिए उसकी फर्स्ट किस। उसने मुझसे वो मोमेंट भी छीन लिया। उस रात को मैं वहाँ से निकली थी दैट शुड नेवर सी हिम अगेन। मेरी लाइफ में ऐसे आदमी के साथ वास्ता कभी ना पड़े। कितनी गलत थी मैं, मुझे नहीं पता था कितनी गलत थी मैं।